माय डियर हस्बैंड, आपके आने की खुशी में आपके लिए आपकी पसंद का। अपने पापा के आने की इतनी ज़ोरदार तैयारी देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ रोटना। मेरी सासू जी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो सभी को, मुझे खुद भी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल वो आने वाले हैं तो उनकी तैयारी में हम लोग छोटा मोटा जो है उनकी पसंद की चीज़ें हम बना रहे थे घर पे। मतलब यहाँ गढ़वाल में कुछ भी अच्छा, मतलब शुभ काम का मतलब ये है कि रोटना, अरसे और दाल वाले पकौड़े होते हैं वो, मतलब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि भाई कुछ भी अच्छा होगा तो मतलब कुछ भी हैप्पी हैप्पी वाला मोमेंट है, दैट मीन्स बनना है ये वाला। इसके इंस्ट्रूमेंट था, मतलब जैसे गुजिया का होता है ना मशीन, तो वो ये वाली इसकी मशीन थी, तो इसी से दोनों के बीच में दबा के इसको बनाते हैं। वैसे बिहार में जब छठ पूजा वगैरह होती है ना तो वहाँ के लोग ठकुआ बनाते हैं, तो सेम मुझे लगता है कुछ ये वैसा ही है। बस ये कि थोड़ा मतलब गढ़वाल में इसको रोटना बोलते हैं और प्लेन्स में इसको ठेकवा बोलते हैं। जितना मुझे समझ में आया मुझे वैसे ही लगा सेम ये। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया लेकिन मैंने बहुत स्पीड में बनाया था। इसके बाद मैंने इसको तला और तेल गरम था तो मैंने कहा फटाफट से कुछ बच्चों के लिए, अपने लिए थोड़ी बहुत पूरियाँ मैंने तल ली थी लगे हाथ, और ये हमारा भी हो गया था खाना साथ में ही। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी बिट्टू जो है पापा के आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, वो लगी थी उनकी तैयारी करने में। बिट्टू आप ये क्या कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो, ये क्या है? ये ना मैंने फ्लावर का पानी बनाया। तो इसको घुमा क्यों रही है, इसमें कुछ नहीं बनेगा बेटा, हो गया बस। तुमने सारे फूल तोड़ दिए हैं। सारे नहीं तोड़े, भी और भी हैं। इससे पापा खुश नहीं होंगे, बल्कि आपको डांट पड़ने वाली है। कल को जब पापा आएंगे तो बोलेंगे आपने सारे फूल तोड़ डाले। सारे नहीं तोड़े, एक दो तीन ही तोड़े। अपने पापा के आने की इतनी जोरदार तैयारी देखो। सच में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, मतलब बिट्टू मेरी बेटी बहुत ज़्यादा, मतलब अपने पापा के आने के लिए। और नेक्स्ट डे जब पापा आए तो स्कूल से जब आए ना, तो मैंने उसे थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि वो आते ही उसने पूछा मुझसे कि मम्मा पापा आ गए, मैंने बोला नहीं आए, तो उसका रिएक्शन जो था सच में मैंने कैप्चर किया, आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, अरे 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 असली 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 मिलाप तो अब हुआ। आपको क्या लगा पापा नहीं आए आज भी, आपको क्या लगा था? अरे भाई आप मम्मा, मैं तुम्हारे मुझे आज जब उधर गई थी ना, मैं सोचा ये बाल किसके दिख रहे हैं। आज का पूरा दिन ही पूरा मतलब एंजॉय वाला ही दिन था, क्योंकि पहले हमको इस चीज़ का वेट था कि हस्बैंड आएंगे आएंगे, बच्चों का था पापा आएंगे, फिर जब वो आ गए तो फिर हमें शाम को रिसेप्शन का इन्विटेशन था, तो हमें फिर वहाँ जाने का एक्साइटमेंट था कि चलो आज, क्योंकि पहली बार मतलब यहाँ पर मैंने कोई वेडिंग पॉइंट देखा जहाँ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, मतलब पहाड़ों में हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो रुद्रप्रयाग लोकेशन है, तो यहाँ मुझे लगता नहीं था कि कोई वेडिंग पॉइंट होगा ढंग का, लेकिन चलो एक अच्छा वेडिंग पॉइंट पे एक अच्छी शादी उस दिन अटेंड की हमने, मतलब तो सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो है चलो यहाँ पर। अब और तो और मतलब जैसे इस तरह से जैसे हम लोग मतलब प्लेन्स में चलता है कि केक कटिंग वगैरह शादी के रिसेप्शन के बाद, आजकल केक कटिंग का जो चल रहा है, तो उस टाइप से भी मतलब यहाँ सब कुछ किया गया ऐसे ही जैसा, वरना मैं तो ऐसा मतलब मिस करने लगी थी कि यार यहाँ तो इतना सिंपल सब कुछ होता है, पहाड़ों की तरह ही जैसे रहता है, तो ऐसा लगता था कि यार कुछ भी मतलब अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल सब कुछ सिंपल है। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही अच्छा मस्त गया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।